ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर अहमद अली, योर इंग्लिश टीचर। एंड द लास्ट क्लास ऑफ द डे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट। इट्स यूनिट 9। टाइटल ऑफ द यूनिट इज द फैंटास्टिक शूमेकर। जो इसका टाइटल है उसका द फैंटास्टिक शूमेकर, एंड इट इज रिटन बाय वहीदुल्ला। क्लियर? फैंटास्टिक शूमेकर का मतलब है निराला मोची शूमेकर, जो जूते बनाता हो। एक होता है हमारे साथ कॉबलर, COBBLER, कॉबलर। शूमेकर और कॉबलर में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शूमेकर एंड कॉबलर? COBBLER, कोबलर का मतलब है जो पुराने जूतों की मरम्मत करता हो, तो कहता है कोबलर। और शू मेकर जो नए बनाता हो। क्लियर? सो हियर इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द शू मेकर, द वेरी सिंसियर डेडिकेटिंग एंड एक्सपर्ट शूमेकर। एंड ऑल ऑफ यू स्विच ऑफ योर कैमराज, अपने कैमराज जो है वो ऑफ कर ले, अटेंटिवली सुने, ठीक है? फैंटास्टिक का मतलब है निराला, अनोखा। द जो हमारे पास आर्टिकल है, डिफिनेट आर्टिकल है। फैंटास्टिक हमारे साथ यहाँ पर है एडजेक्टिव है, और शूमेकर हमारे साथ है नाउन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर that the role of adjective is to modify, to exaggerate, to glorify, to beautify a noun or pronoun. तो यहाँ पर ये जो fantastic है, ये shoemaker को क्या कर रहा है? Modify कर रहा है। Clear? चलते हैं इसकी reading की तरफ, ठीक है? Meanings जो है आप लोग अपनी books के ऊपर लिखा करें, जो difficult words की meaning हो, ठीक है? ऑल दो इट्स वेरी इजी बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। आई आई जो यहाँ पर यूज हुआ है, ये ऑथर के लिए है, जिसने ये सबक लिखा है, ऑथर, ठीक है? आई आई फर्स्ट मेट हिम इन माई यूथफुल डेज इन द होली मंथ ऑफ रमजान। तो आई यहाँ पर यूज हुआ है ऑथर के लिए, मुसन्निफ के लिए, कि मैं जो जो जरीन गुल था, जो शूमेकर था, उससे मिला अपनी बचपन के जमाने में, जवानी के दिनों में। यूथफुल कहते हैं जवानी के दिनों में, ठीक है? मिट हमारे साथ मीट का सेकंड फॉर्म है, MEET, मीट फर्स्ट फॉर्म है, मिट मिट हमारे साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और सेंटेंस, ये पूरा जो सेंटेंस है हमारे साथ, टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस हमारे साथ है। क्लियर? So I first met him in my youthful days. मैं अपनी जवानी के दिनों में उससे मिला। In the holy month of Ramzan, रमजान के मुकद्दस महीने में। Holy हमारे पास यहाँ पर क्या है? मुकद्दस, adjective है, जो कि month को, महीने को modify कर रहा है। Clear? When my father took me, जब मेरे वालिद साहब मुझे ले गए, टू हिज शॉप उसकी दुकान पर, फॉर ऑर्डरिंग अ पेयर ऑफ न्यू शूज फॉर द कमिंग ईद, जूतों के एक नए जोड़े बनाने के लिए आने वाली ईद के लिए। यहाँ पर ऑर्डरिंग जो हमारे साथ है, ये है जेरेंड, GERUND, जेरेंड। फॉर हमारे साथ है प्रीपोजिशन, और ऑर्डरिंग हमारे साथ है जेरेंड। और मैं पहले बता चुका हूं कि जेरेंड का काम होता है, लगता तो ये बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होता है, जो आईएनजी फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जेरेंड की जो फंक्शन होती है वो एक नाउन की तरह होती है, इसको हम कहते हैं वर्बल नाउन। क्लियर? तो मेरे वालिद साहब मुझे उसकी दुकान पर ले गए आने वाली ईद के लिए, जो जूतों के एक जोड़े के बनाने के लिए। His shop was in a small
बट बिजी स्ट्रीट आपके साहवानी बाजार, उसका दुकान जो था, शूमेकर का दुकान जो था, वो एक छोटी मगर मसरूफ तरीन गली में था केसाहवानी बाजार में। स्माइल ये भी एडजेक्टिव है, बिजी भी हमारे साथ एडजेक्टिव है, जो कि दोनों मिल की स्ट्रीट को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर। उसका दुकान जो था एक छोटे लेकिन मसरूफ तरीन गली केसाहवानी बाजार में वाकिया था। अ मॉन्स्ट्रस साइज, मॉन्स्ट्रस कहते हैं बहुत बड़ा, वेरी बिग, लार्ज। अ मॉन्स्ट्रस साइज, एक बड़ी जसामत वाली काली पिशावरी चप्पल, एक बड़ी जसामत वाली काली पिशावरी चप्पल। ओवर हंग, ओवर हंग जो है ओवर हैंग, एच ए एन जी, हैंग का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है अवेजा, लटका हुआ। ऑन द फेंट कलर्ड वुडन डोर ऑफ हिज शॉप, एक बड़ी जसामत वाली काली पिशावरी चप्पल उसकी लकड़ी के दरवाजे पर, एक धुंधले लकड़ी के दरवाजे, रंग के दरवाजे पर लटका हुआ था। फेंट का मतलब है जो धुंधला हो, इतना शोख ना हो। कलर तो रंग वुडन लकड़ी, लेकिन वुडन का यहाँ पर हमारे साथ फंक्शन जो है वो एडजेक्टिव का है। वो डोर किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का। सो वुडन डोर, विच सॉर्ट ऑफ डोर? वुडन डोर। तो वुडन हमारे साथ क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि डोर को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर। द इनसाइड ऑफ द शॉप, दुकान का जो अंदर का माहौल था, वॉज एज क्वाइट एंड सीरीन। क्वाइट कहते हैं खामोश को, सीरीन कहते हैं पुरसुकून को। दुकान का अंदरूनी जो मंजर था वो खामोश और पुरसुकून था। एज, यहाँ पर हमारे साथ कंपैरिजन है, जो हम सिमिली यूज करते हैं ना, सिमिली, व्हेन वी जॉइन टू डिफरेंट थिंग्स इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एज एंड लाइक, इट इज कॉल्ड सिमिली। जब हम दो चीजों का मुवाजना करते हैं एज या लाइक के जरिए, तो उसको हम कहते हैं सिमिली, जो कि हमारे साथ लिटरेरी डिवाइस है। तो यहाँ पर उसकी दुकान का मुवाजना किया गया है एक मुकद्दस मुकाम के साथ, जो एक मुकद्दस जगह होती है, जिस तरह मस्जिद होती है, जहाँ पर मुकम्मल खामोशी होती है। सो द इनसाइड ऑफ द शॉप वॉज एज क्वाइट एंड सीरीन, जो दुकान का अंदरूनी मंजर था वो खामोश और पुरसुकून था। इज दैट ऑफ अ सेक्रेड होली प्लेस, एक मुकद्दस जगह की तरह, एक मुकद्दस पाक जगह की तरह। सेक्रेड कहते हैं मुकद्दस को, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग मस्जिद ले सकते हो, जहां पर खामोशी होती है, एंड एंड ऑफन फील इट्स समथिंग टेरेबल, इट्स समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन एवरीबॉडी मेक्स नॉइस इन द मॉस्क। जब कोई मस्जिद में शोर करता है तो लोग उसको बुरा समझते हैं, तो उसका दुकान भी मुकम्मल तौर पर खामोश और पुरसुकून था। यहाँ पर सेक्रेड होली दोनों हमारे साथ क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर। जो कि प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है। देयर वर सम ओल्ड वुडन टूल्स स्टूल्स, वहां पर कुछ लकड़ी की पुरानी तिपैया पड़ी थी, स्टूल्स जिस पर लोग बैठते हैं, तिपैया। एंड इन द विंडो और खिड़की में सम पेयर ऑफ शूज वर विजिबल, और जूतों की कुछ जोड़े जो थे वो नजर आ रहे थे। विजिबल का मतलब है नजर आना, दिखाई देना। पेयर्स कहते हैं जोड़ा, सो जोड़े, पेयर्स प्लूरल है हमारे साथ यहाँ पर। सम हमारे साथ क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इसको हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, जो नंबर के बारे में हमें बताता हो।
अ बिग स्मूथ स्क्वेयर शेप स्टोन. अब देखो अ बिग बिग स्मूथ स्क्वेयर शेप्ड स्टोन. अभी एक सीरीज ऑफ एडजेक्टिव हमारे साथ है. बिग भी एडजेक्टिव है, स्मूथ भी एडजेक्टिव है, स्क्वेयर भी एडजेक्टिव है, शेप्ड भी एडजेक्टिव है, जो कि स्टोन को मॉडिफाई कर रहे हैं सारे. क्लियर? तो एक बड़ी हमवार चौकोर किस्म की मुरब्बा, चौकोर या मुरब्बा शक्ल में एक पत्थर पड़ा है. एक पत्थर है, अ बिग स्मूथ स्क्वेयर शेप्ड स्टोन. एक बहुत बड़ा चौकोर या मुरब्बा शक्ल का पत्थर. अ हैवी वुडन मेल्ट, और एक भारी लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा. हैवी वुडन दोनों एडजेक्टिव है जो कि मेल्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं. दोनों मेल्ट कहते हैं लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा. एक तो हमारे साथ हैमर होता है, ठीक है, तो हैमर तो अलग है, वो तो मीन लोहे का बना होता है, आयरन का. मेल्ट जो हमारे साथ है लकड़ी का बना होता है. एन ऑल, और एक सुआ जिस पर सुई के जरिए वो धागा डालते हैं चप्पल में, ठीक है, एक नीडल से होती है. एंड थ्री लेग्ड एनवेल, और तीन पाव वाला एहरन, क्या एहरन, जिस पर वो चप्पल को रखा जाता है. कैन बी ऑब्जर्व इन द राइट साइड ऑफ द शॉप, उसकी दाएं दुकान की दाएं जानब जो है वो उसको देखी जा सकती है, उसका मुशाहिदा किया जा सकता है. द रेस्ट ऑफ द शॉप, जो बाकी मानदा दुकान है, दुकान था, वॉज एज बैरन एज डेजर्ट. अगेन यहाँ पर कंपेरिजन है, सिमिली यहाँ पर यूज हुई है. जो बाकी मानदा दुकान था वो एक सहरा की तरह क्या था, बंजर पड़ा था, हाली पड़ा था. यहाँ पर बैरन का मतलब है हाली, ठीक है, और डेजर्ट कहते हैं सहरा को. बिकॉज ही मेड ओनली दोस पेयर ऑफ शूज, क्योंकि वो जूतों की सिर्फ वही जोड़े बनाता था दैट वर ऑर्डर्ड, जिसकी पेशकश की जाती थी, जो लोग पेशकश करते थे. एट द फार एंड ऑफ द वॉल ऑफ द शॉप, उसकी दुकान की दूर दीवार की दूर सिरे पर, वॉज हैंगिंग अ स्मॉल साइन बोर्ड, वहां पर एक छोटा तारुफी कार्ड लटका हुआ था. वहां पर एक छोटा तारुफी कार्ड लटका हुआ था, शोइंग ज़रीन गुल्स एंड ब्रदर, जिस पर नजर आ रहा था, जिस पर लिखा था, जो दिखाई दे रहा था, ज़रीन गुल एंड ब्रदर्स. क्लियर? ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट पैराग्राफ देन काइंडली रेज योर हैंड, आई विल गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस. ओके, ओके, सेकंड पैराग्राफ. द शॉप वॉज द शूज दैट ज़रीन गुल मेड, वो जूती जो ज़रीन गुल बनाता, नेवर फेल टू फिट इन द फीट, वो हमेशा पाव में सही मौके आते थे. ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन है, वो पाव में हमेशा सही मौके आते थे, हमेशा पाव में बिल्कुल ठीक होते थे. एंड दे लास्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्गर देन यूजुअल, और वो आम जूतों के मुकाबले में ज्यादा अरसे तक चलते थे, ज्यादा अरसे तक काम करते थे. इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा पायदार होते थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है एडजेक्टिव एडवर्ब है हमारे साथ, गैर मामूली, बहुत ज्यादा नुमाया, बहुत ज्यादा अलीशान. देन यूजुअल, जो आम जूते होते हैं उसके मुकाबले में ज्यादा अरसे तक चलते थे, काम करते थे. टू मेक शूज, जूते बनाना, सच शूज एज ही मेड, और जूते जो वो बनाता था, सीम टू मी देन एंड सीम टू मी नाउ, मुझे तब भी महसूस होता था और आज भी महसूस होता है. मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, मिस्टीरियस का मतलब है अजीबो गरीब, वंडरफुल का मतलब है हैरान कन. वो मुझे तब भी अजीबो गरीब महसूस होते थे और आज भी अजीबो गरीब महसूस होते हैं. I still remember, मुझे अब भी याद है. Remember का मतलब है याद होना, to recall something, to remember something, किसी चीज को याद करना. My hesitant remarks, मेरी मुतजबजब गुप्तगू,
हिचकिचाहट वाली गुफ्तगू, हेजिटेंट मुतजबजब, हिचकिचाहट वाली। रिमार्क्स का मतलब है गुफ्तगू। वाइल स्विचिंग, वाइल हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ यहाँ पर है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। स्विचिंग आउट और साथ साथ स्विचिंग जो हमारे साथ है इसको एज अ जेरंड के तौर पर हम ले सकते हैं। स्विचिंग आउट का मतलब है आगे बढ़ाना। टू हिम माय यूथफुल फुट, जब मैंने अपनी कम सिन, यूथफुल का मतलब है कम सिन पाओ, उसका पाओ उस टाइम जो था वो छोटा था ना, यूथफुल फुट कम सिन पाओ। मुझे अब भी याद है अपनी मुतजबजब गुप्तगु, अपनी हिचकिचाहट वाली गुप्तगु, जब मैंने अपनी कमसिन पाओ को उसकी तरफ बढ़ाया। Isn't it awfully hard to make shoes in such tough conditions? Awfully hard का मतलब है बहुत ज्यादा सख्त। क्या ये सख्त काम नहीं है इतने सख्त हालात में जूते बनाना? ये क्वेश्चन जो है ये ऑथर जो है, ये मुसन्निफ जो है, ये शू मेकर से पूछता है, जो जरीन गुल है शू मेकर, उससे पूछता है क्या इतने सख्त हालात में जूते बनाना मुश्किल नहीं है? टफ कंडीशन, मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त। द सर्पेंटाइन रिंकल्स रिगल्ड ऑन हिज स्माइलिंग फेस, उसकी मुस्कुराती चेहरे पर बलकाती हुई शिकन पड़ गए। बलकाना, जब इसका एग्जाम्पल यह है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उसकी उन लोगों की चेहरों पर उजुरिया आ जाती है, ठीक है, तो जब वो हंसने लगा तो उसकी मुस्कुराती चेहरे पर बलकाती जुरिया पड़ गई। एंड ही आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, इट इज एन आर्ट, ये एक फन है। क्या है? एक फन है। रिंकल्स कहते हैं जुरियों को। रिगल का मतलब है बलकाना, क्लियर, और सरपेंटाइन का मतलब है एक एक जिस तरह सांप होता है, सरपेंटाइन, तो सांप जिस तरह जिस शक्ल में होता है, कभी वो गोल शक्ल बना लेता है, कभी मुख्तलिफ शक्ल वो अडॉप्ट करता है, तो उसी तरह एक जस्ट लाइक अ स्नेक। गो अहेड, जरीन गुल रिमार्क्स, यहाँ पर आप लोग अपनी बुक्स में अपोस्ट्रोपी एस ऐड कर ले, अपोस्ट्रोपी कामा प्लस एस। किसकी रिमार्क्स? जरीन गुल की रिमार्क्स। किसकी बातें? जरीन गुल की बातें। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोपी आप लोग ऐड कर ले, ठीक है, अगर आप लोगों की, शायद आप लोगों की बुक्स में भी ना हो। जरीन गुल रिमार्क्स अबाउट शूज, जरीन गुल की बातें जूतों की बनाने के मुतालिक। एंड देयर सूटेबिलिटी, और उसकी पायदारी, सूटेबिलिटी कहते हैं पायदारी को, पायदारी कहते हैं कि लंबे अरसे तक वो चले। टू डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोगों के लिए। वर सो अथॉरिटेटिव एंड फाइनल, वो इतनी तहकुमाना और कती होते थे। अथॉरिटेटिव का मतलब है तहकुमाना, मीन जिसमें हुक्म हो। एंड फाइनल और कती, बिल्कुल लास्ट, आखिरी। दैट नोबडी डेयर्ड टू रिजेक्ट देम, कि कोई उनको मुस्तरद करने का हौसला नहीं कर सकता था। जरीन गुल की बातें जूतों के मुतालिक और उसकी पायदारी के मुतालिक मुख्तलिफ लोगों के लिए। वर सो अथॉरिटेटिव एंड फाइनल, वो इतनी तहकुमाना और कती होते थे। That nobody dare to reject them, कि कोई उसको रद्द करने, मुस्तरद करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। Dare का मतलब है जुर्रत करना, reject का मतलब है मुस्तरद करना। Nobody हमारे साथ यहाँ पर है indefinite pronoun, क्या है? indefinite pronoun है, clear? My father asked the author. आतर कह रहा है कि मेरे वालिद, माय फादर द चीफटेन ऑफ द एरिया। चीफटेन कहते हैं सरदार, जो कि इलाके के सरदार थे। चीफटेन सरदार, वुड एक्सेप्ट हिज व्यूज,
उसकी बातों को कबूल करते थे, उसकी रायों को कबूल करते थे। व्यूज, राय अबाउट अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक खास जोड़े के मुतल्लिक, विद ब्रिस्क नोड, सर झुका के। मेरे वालिद भी, नोट का मतलब है, एक होता है शेक, जब हम नामे किसी को जवाब दे, और नोट जब हम आगे की तरफ सर हिलाते हैं, तो इसका मतलब है कि मीन यू 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 इट मीन्स टू एक्सेप्ट समवन्स व्यू और समवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसी की बातों को कबूल करना, किसी की राय को एक्सेप्ट करना। तो नोट का मतलब है आगे की तरफ सर हिलाना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो मेरे वाले साहिब भी सरेहम हो कि उसकी बातों को, उसकी राय को कबूल करते थे। इसको कहते हैं सरे जुम्बिश, सरे जुम्बिश। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन न था, टू गो टू हिम ऑफन, बार बार उसके पास जाना मुमकिन न था। वाई? बिकॉज देर वॉज समथिंग इन हिज शूज, क्योंकि उसकी जूतों में ऐसा कुछ था, दैट वॉज बियॉन्ड द टेम्पररी, जो आम जूतों से कहीं हट करता, कहीं गुना अच्छा था, कहीं गुना बेहतर था। क्लियर? इसका मतलब ये है कि वो ऐसी जूते बनाता था कि वो बहुत ज्यादा पायदार होते थे, लंबे अरसे तक काम करते थे, तो उसमें कोई मसला नहीं आता था, ताकि उसकी मरम्मत की जा सके। तो लोग वहां पर बार बार नहीं जाते थे उसके पास मरम्मत करने के लिए। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत नहीं होगा। रॉन्ग का मतलब है गलत। वुड हमारे साथ मॉडल एक्सिलरी है। ये कहना गलत नहीं होगा, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी कहते हैं पायदारी, वाज स्टिच्ड इन टू देम, के पायदारी उसमें सी दी जाती थी। इसका मतलब यह है कि पायदारी उसमें सी दी जाती थी, कि बिल्कुल साथ साथ जिस तरह जूती होती थी, उसी तरह पायदारी भी उसका एक एक रुकन था, एक उसकी हैसियत थी, क्वालिटी थी। स्टिच का मतलब है किसी चीज को सीना। आई कांट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता। कांट, अगेन केन हमारे साथ मॉडल एक्सिलरी है। फॉरगेट का मतलब है भूल जाना। मैं नहीं भूल सकता, द डे ऑन विच आई हैड टू से टू हिम, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, उस दिन को जब मैंने कहा था, जरीन गुलका का, माई लास्ट पेयर ऑफ शूज मेक्स अ क्रीकिंग साउंड, मेरा जो जूतों का आखिरी जोड़ा है वो एक चरचराहट वाली आवाज पैदा करता है। क्रीकिंग का मतलब है चरचराहट, साउंड, आवाज। यू नो, क्या आप जानते हैं, आपको पता है। ही लुक एट मी विथ स्ट्रेंज लुक्स, उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। स्ट्रेंज का मतलब है अजीब। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी, एक्सपेक्टिंग का मतलब है तवक्को रखना, तवक्को करना। टू विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब है हट जाना। द स्टेटमेंट, बात, स्टेटमेंट, बात। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ द स्टेटमेंट, जैसे कि वो तवक्को कर रहा था कि मैं इस बात से वापस फिर जाऊं, इस बात को वापस ले लूं। एंड देन सेड, और फिर कहा, इट शुडन हैव क्रीक्ड, इसको चरचराहट वाली आवाज नहीं पैदा करनी चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, आई सेड विद क्वेवरिंग टोन। क्वेवरिंग कहते हैं कपकपाती हुई, कांपती हुई, लरसती हुई। मैंने एक लरसती हुई आवाज में कहा, अंदाज में कहा, इसने, मुझे डर है इसने किया, इस तरह की आवाज निकाली। अफ्रेड का मतलब है डर, खौफ। एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज, इसके साथ ही उसने अपनी नजरें झुका दी। लोअर्ड का मतलब है झुकाना। एज इफ हंटिंग फॉर द मेमोरी ऑफ दोस पेयर ऑफ शूज, जैसे कि वो उस जोड़े की याददाश्त को अपने जहन में, अपनी याददाश्त में ढूंढ रहा हो। हंटिंग का मतलब है ढूंढना, तलाश करना।
आई रियली फील सॉरी, मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ दैट आई मेंशन दिस दैट दिस पिटी थिंग, कि मैंने इस मामूली चीज का जिक्र किया। पिटी का मतलब है मामूली, मेंशन का मतलब है जिक्र करना। विच लुक टू हिम सो सीरियस एंड ग्रेव, जिसने उसको इतना संजीदा और गमगीन बनाया। सीरियस संजीदा, ग्रेव का मतलब है उलझन में डालना, गमगीन बनाना। सेंड देम बैक ही सेड, उसने कहा उसको वापस भेज दे उस जूतों को। आई विल लुक एट देम, मैं उसको देख लूंगा। सम शूज आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ जूते जो होते हैं वो पैदाइशी अच्छी नहीं होते, पैदाइशी बुरे होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, अगर मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सका, आई विल गिव बैक द अमाउंट टू यू, तो मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा, पेड फॉर देम, जो आपने उसके लिए दिए थे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। देन आई वेंट अब्रॉड टू परसू माई हायर स्टडीज, फिर मैं बाहर चला गया, परदेश चला गया। अब्रॉड का मतलब है बाहर मुल्क, परदेश जाना। परसू का मतलब है हासिल करना, हायर स्टडीज का मतलब है आला तालीम, एंड करियर, करियर कहते हैं पेशा। फिर मैं आला तालीम और अपनी पेशे के सिलसिले में बाहर चला गया। एंड कुड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट जरीन गुल, और जरीन गुल के साथ मिलने का मौका नहीं पाया, नहीं मिल सका। द फैंटास्टिक शू मेकर फॉर सेवरल इयर्स, निराला मूची कई सालों तक। फिर मैं, लुक एट द होल सेंटेंस, फिर मैं अपनी आला तालीम और पेशे के सिलसिले में बाहर मुल्क चला गया। और उम्दा या निराला मूची के साथ मिलने के लिए कई सालों तक मौका नहीं मिला। आफ्टर सेवरल इयर्स, कई सालों बाद, आई रिटर्न टू पिशावर, मैं पिशावर वापस आया। रिटर्न मेन वर्ब है यहाँ पर, वापस आना। सेवरल बी एडजेक्टिव हमारे साथ है, सेवरल क्या है, एडजेक्टिव है। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू, और पहला दुकान जहां पर मैं गया, वाज माय ओल्ड फ्रेंड जरीन गुल्स, मेरे पुराने दोस्त जरीन गुल का था। आई हैड लिफ्ट अ मैन ऑफ 50, मैं उसको 50 साल का आदमी छोड़ के गया था। मीन जिस टाइम ये आतर बाहर जा रहा था अपनी हायर स्टडीज के लिए, तो उस वक्त जरीन गुल की उम्र जो थी वो कितने साल थी, 50 साल। आई केम बैक टू वन ऑफ 65, और जब मैं आया तो मैं एक 65 साल के आदमी से मिला। तो इसका मतलब है कि इसने 15 ईयर्स जो है वो बाहर गुजारे थे, 15 ईयर्स तक उससे नहीं मिला था। क्लियर? वॉन एंड टोन लाइक एन ओवर यूज पेयर ऑफ शूज, पटा पुराना, वॉन एंड टोन, पटा पुराना, लाइक एन ओवर यूज पेयर ऑफ शूज, एक ज्यादा इस्तेमाल शुदा जूते की जोड़े की तरह, इतना कमजोर हुआ था, बिल्कुल ज़ईफ, बिल्कुल कमजोर। जिस तरह एक जूता होता है उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, पट जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल एक एक जोड़े की तरह कमजोर पड़ गया था, एक पटे पुराने जोड़े की तरह। ही शोक, शोक जो है शेक का सेकंड फॉर्म है, शेक मतलब हाथ में लाना। ही शोक हिज बोनी हैंड विद मी, उसने अपना हड्डियों भरा हाथ मुझसे मिलाया। बोनी एडजेक्टिव है यहाँ पर, हड्डियों भरा, क्योंकि वो तो इंतहाई कमजोर पड़ गया था। उसने अपना हड्डियों भरा हाथ मुझसे मिलाया। बट द ग्रिप ऑफ हिज हैंड, लेकिन उसकी हाथ की जो पकड़ थी, ग्रिप पकड़, और बट हमारे साथ क्या है, कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर? वॉज एज टाइट एज इट वॉज मैनी ईयर्स एगो, लेकिन उसकी हाथ की जो ग्रिप थी, जो पकड़ थी, वो इतनी मजबूत थी जितने कई साल पहले। क्लियर? एट फर्स्ट, पहले, ही डिड नॉट नो मी, उसने मुझे नहीं पहचाना।
पहले तो उसने मुझे नहीं पहचाना, बट व्हेन आई गॉट माई सेल्फ इंट्रोड्यूस, लेकिन जब मैंने अपनी तारुफ करवाई, हिज ब्रूडेड आईज, उसकी मरी हुई आंखें, ब्रूडेड आईज मरी हुई आंखें, स्पार्कल्ड विद स्माइल, एक चमक सी झूम उल्टी, स्पार्कल का मतलब है झूम उठना, स्माइल मुस्कुराहट, उसकी मरी हुई आंखें एक मुस्कुराहट से झूम उल्टी। डू यू वॉन्ट एनी शूज, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या आपको जूती चाहिए। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उसको जल्दी बना सकता हूँ। बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, क्योंकि अब मेरे पास काफी फारिग वक्त है, काफी फारिग वक्त है, ठीक है। देन ही लुक्ड एट माई ब्रांडेड शूज एंड सेड, पर उसने मेरे जो ब्रांडेड शूज थे, बाहर की शूज थी, उनको देखा और कहा दोज आर नॉट माई शूज, ये मेरी जूती नहीं है, ये मेरी जूती नहीं है। His tone was not one of anger or of sorrow, उसकी अंदाज में न तो गुस्सा था, न कोई परेशानी, न कोई गम, सारो गम, एंगर गुस्सा, नट इवन आप कंटेम्प्ट, न उसमें कोई नफरत, बट देयर वाज इन इट समथिंग, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था, क्वाइट दैट फ्रोज माई ब्लड, खामोश, जिसने मेरे खून को मनजमित किया। क्लियर, हिज टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर, उसकी अंदाज में न गुस्सा, गुस्से वाला न था, और आप सारों ने उसमें कोई गम था, नॉट इवन आप कंटेम्प्ट, उसमें कोई नफरत, बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट, लेकिन इसमें छुपी हुई ऐसी कुछ चीज थी, खामोश सी चीज थी, दैट फ्रोज माई ब्लड, जिसने मेरे खून को मुंजमित किया। इसका मतलब है उसने मुझे बहुत उदास किया, खफा किया, परेशान किया। क्लियर, समथिंग हमारे साथ अगेन इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्लियर, इट हमारे साथ प्रोनाउन है यहाँ पर, बट अगेन हमारे साथ कंजंक्शन है, देयर हमारे साथ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वाज हमारे साथ यहाँ पर है, लिंकिंग वर्ब है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सो काइंडली आस्क योर क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई बैक, ओके। So the first person is Zubair. So kindly ask your question. Sir ji, subordinating conjunction kise kehte hain? Haan, subordinating conjunction wo hote hain jo hum, subordinating conjunction mainly hamare sath complex sentence mein istemal hote hain. Sentences ki hamare sath types hai na, simple sentence, yes, compound sir. Sentence or complex sentence. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, ये बना होता है दो क्लॉजेस से। उसमें जो एक क्लॉज होता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा हमारे साथ होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे क्या करता है, भरोसा करता है, उस पे हमेशा जो उसकी जो बैकबोन होती है वो हमारे साथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। Yes, के दरमियान ये दोनों क्लासेस को मिलाने के लिए जो हम जो कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप अब इधर देखिए इस सेंटेंस को, जरा आप लोग देखिए सेंटेंस 86 पे, ये सेंटेंस को आप लोग जरा देखिए, आई कैन मेक देम क्विकली, मैं इसको जल्दी बना सकता हूँ। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इसकी मीनिंग देखिए, बिल्कुल कंप्लीट है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई लैकनेसेस नहीं है। लेकिन अगर ये फर्स्ट सेंटेंस अगर हम इससे स्किप कर ले और यहाँ स्टार्ट यहाँ से ले ले, बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, क्योंकि अब मेरे पास काफी वक्त है। अब अगर ये सेंटेंस हम किसी से कहें बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, एक दोस्त से आप कहने लगी क्योंकि अब मेरे पास काफी फ्री वक्त है, फारिग वक्त है, तो वो कहेगा कि मीन तो हाँ, तो अब क्या करने आपने, तो फ्री वह है तो क्या,
तो अब बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, ये हमारे साथ है डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज से लेकर टाइम तक, आई से लेकर क्विकली तक हमारे साथ है इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इन दोनों क्लॉजेस को जो मिलाया है वो बिकॉज ने मिलाया है. अभी बिकॉज हमारे साथ क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. क्लियर yes, हुआ? यस सर. ओके, गुड 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 गुड, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम. हाँ यहया, मेड आस योर क्वेश्चन. यहया अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम. जी बेटा. सर ये आई सेड विद क्वेवरिंग टोन, इसका क्या मतलब है? क्वेवरिंग का मतलब है लरसती हुई, कांपती हुई. क्वेवरिंग का मतलब है, अब देखो सपोज किसी को सर्दी लगी है ना, और शिद्दत की सर्दी हो, तो इस तरह कांपता है ना सर्दी की वजह से, कि मीन वो ना बात ही कर सकता है, उसकी दांत जो होते हैं वो चैटरिंग करते रहते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा. Yes, देखा sir. है ना, तो इसको कहते हैं क्वेवरिंग टोन, एक कांपती हुई, लरसती हुई, एक डरती हुई आवाज में, कि मीन कोई डर रहा है और कुछ पूछ भी रहा है. तो वो डर के मारे जब वो पूछता है तो उसमें हमें वो हिचकिचाहट वो जो होती है, वो डर की जो अलामत होती है, वो हमें वहां पर दिखाई देती है. इट इज कॉल्ड क्वेवरिंग टोन, एक कांपती हुई, एक लरसती हुई, एक खौफ की अंदाज में. क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. So I think nobody is there to ask any question. So I think it's enough for today. Our homework अपने साथ आप लोग नोट कर ले. ठीक है, जो फर्स्ट टू पैराज है, फर्स्ट टू पैराग्राफ से. ठीक है, ये आई फर्स्ट मेट हिम इन माई, ओके ओनली फर्स्ट पैराग्राफ, आई से लेकर जरीन गुल्स एंड ब्रदर्स, यहाँ तक आप लोग इसकी ट्रांसलेशन लेके, खुद से लेके आप लोग ट्रांसलेशन लेके, लेकिन पूरी एक लाइन की ट्रांसलेशन, आइडियोमेटिक ट्रांसलेशन लेके. क्लियर? तो ये आप लोगों का होमवर्क हुआ. एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन अपने साथ नोट कर ले, कल इंशाल्लाह जब क्लास होगा तो उसमें आप लोग फिर पूछ ले. समझ गए? ओके, थैंक यू.